आपके अपने ही क्लासरूम एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। माय डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, ऑन योर ड्यू रिक्वेस्ट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड माय एक्सप्लेनेशन ऑन मर्चेंट ऑफ वेनिस, ए प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। और यह 9 और 10 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट जो ICSE बोर्ड के हैं उनके सिलेबस का एक पार्ट है। आज इसकी व्याख्या होगी इसमें एक्ट टू सीन 5 की। एक्ट टू सीन 5 एक छोटा सा सीन है इस ड्रामा में, जिसमें मात्र 3 ही कैरेक्टर इनमें हैं, शाइलॉक, लॉन्सलॉट और जेसिका। वी नो वेल ऑफ देम। शाइलॉक जो इस ड्रामा का विलन है, ही इज एन ओल्ड ज्यू। उसके बाद अपने पास हैं लॉन्सलॉट, जो कभी शैलॉक का ही सर्वेंट हुआ करता था, बट रिसेंटली ही हैज ज्वाइन टू बेसिनियो, अब ये बेसिनियो का सर्वेंट है। एंड वी हैव हियर जेसिका। जेसिका कौन है? शैलॉक की एकमात्र संतान, एकमात्र बेटी। शी इज सिंगल डॉटर ऑफ शैलॉक। और इस ड्रामा में जेसिका भागने का प्लान बना चुकी है। शी हैज प्लान टू एलोप विथ हर लवर लॉरेंजो। लेकिन संजोग देखिए इस सीन में, इस सीन का जो सेटअप है, लॉन्सलॉट आया है शैलॉक को बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि आज बेसिनियो की यहाँ पार्टी है। तो बेसिनियो ने शैलॉक को के यहाँ भेजा है लॉन्सलॉट को। और एट दैट मोमेंट जेसिका हैज ऑलरेडी मेड ए प्लान टू इलोव विथ हर लवर लॉरेंजो। तो शैलॉक को चूंकि जाना है पार्टी में, इसलिए घर की वो चाबी जेसिका को देकर जा रहा है। सो इट इज़ नथिंग बट ओनली ए ड्रामेटिक एरनी, राइट? जो कि मौका मिल जाएगा जेसिका को आज अपना प्लान पूरा कर लेने का, चोर के हाथ में ही ताली मिल जाएगी आज। चलिए, तो इन तमाम चीज़ों की आज इस सीन में मैं व्याख्या करूँगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन, आई रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स who has not subscribed me till now, just go ahead and subscribe me and do not forget to hit on the bell icon so that whenever I put any type of update or any chapter, you will be notified first. Aur jinhone ki hame subscribe kar liya hai, please share me and write your comments in the given comments box. Okay, so now without losing a moment, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सीन का सेटअप, लॉन्सलॉट आया हुआ है शैलॉक के यहाँ उसको इनवाइट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ हिज न्यू मास्टर बेसिनियो। और आते के साथ शैलॉक क्या कुछ कहता है, शैलॉक के साथ क्या उसकी बात होती है, लेट्स स्टार्ट। शैलॉक, वेल दाउ शॉल सी, दाय आई शैल बी थाइचस, द डिफरेंस ऑफ ओल्ड शैलॉक एंड बेसिनियो। कहता है शैलॉक, अब देखेगी तुम्हारी आंखें, तुम खुद महसूस करोगे, तुम्हारी आंखें जज होगी किस चीज़ के लिए, कि मेरे में ओल्ड शैलॉक और बेसिनियो में क्या अंतर है। बिकॉज रिसेंटली ही हैज ज्वाइन टू बेसिनियो, इसलिए शैलॉक कह रहा है अब तुम्हें खुद महसूस होगा कि हम में और बेसिनियो में क्या अंतर है। व्हाट जेसिका, और आवाज़ लगाता है अपनी बेटी को, जेसिका कहाँ हो तुम। फिर आगे शैलॉक कह रहा है लॉन्सलॉट को, दॉ शॉल्ट नॉट गॉर्मेंडाइज एज यू हैज डन विथ मी, वहाँ जाकर पेटू की तरह खाना मत जैसे तुम मेरे साथ किया है। व्हाट जेसिका, और फिर उसकी आवाज़ होती है जेसिका के लिए, वो आवाज़ लगाता है, एंड स्लीप एंड स्नोर एंड रैन एपरल आउट, राइट? और केवल सोना और कपड़े गंदा करना, ऐसा काम मत करना वहाँ, राइट? और फिर आवाज़ लगाई, वाई जेसिका आई से, जेसिका मैं बुला रहा हूँ तुझे, राइट? लॉन्सलॉट, वाई जेसिका, लॉन्सलॉट ने भी आवाज़ लगा दी कि जेसिका क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। और जो ही लॉन्सलॉट ने आवाज़ लगाई, शैलॉक गुस्सा में पूछता है, हु बीट्स दिस दी कॉल, किसने कहा तुमको आवाज़ लगाने के लिए। I did not beat the call, मैंने तो नहीं कहा। लॉन्सलॉट, योर वर्शिप
was wouldn't to tell me I could do nothing without biding. Lancelot, जैसे कि अपने डायलॉग डिलीवरी तो उसकी मैंने देखी है, बड़ी सुंदर डायलॉग डिलीवरी होता है. वो कहता है कि आपने अभी अभी जो मेरे बारे में इतनी बातें बताई, मुझे लगा कहीं आप यह भी ना कह दें कि मैं बिना कुछ कहे करता नहीं हूँ. इसलिए विदाउट जस्ट गिविंग योर ऑर्डर आई कॉल्ड हर, आपके आदेश आने के पहले ही मैंने काम कर दिया. और तब जेसिका का प्रवेश होता है सीन में. जेसिका, कॉल यू, व्हाट इज़ योर विल. कितनी पोलाइट है जेसिका, आवाज़ कितनी उसकी मधुर है. और वह कहती है, बुलाया आपने, व्हाट इज़ योर विल, क्या इच्छा है आपकी, क्या चाहते हैं आप, क्या आदेश है आपका. शालक, आई एम बीट फोर्स टू सपर, मैं बुलाया गया हूँ रात्रि भोज के लिए. जेसिका, देयर आर माई कीज, जेसिका यहाँ है चाबियाँ. बट देयर फोर शुड आई गो, लेकिन मैं क्यों जाऊँ वहाँ. राइट, आई एम नॉट बीट फॉर लव, मैं प्यार से नहीं बुलाया गया. मेरे इस निमंत्रण में, इन्विटेशन में प्यार नहीं है. तब क्या है, दे फ्लैटर मी, वे मक्खनबाजी करते हैं, मुझे चापलूसी करते हैं. क्यों, क्योंकि मैं धनवान हूँ और मेरे से पैसा उसने लिया है भी. राइट, बट येट आई विल गो इन हेट, लेकिन घृणा में ही सही, नफरत में ही सही, मैं वहाँ जाऊँगा. टू फिड अपॉन द प्रोडिगल क्रिश्चन, उस क्रिश्चन जो कि एक थेफ्ट स्पेंड है, जो केवल खर्च करने में विश्वास करता है, जो खर्चीला है, उसके यहाँ जाऊँगा भरपूर खाने के लिए. जेसिका माई गर्ल, लुक अपॉन, लुक टू माई हाउस, जेसिका मेरे इस घर को देखना. आई एम राइट लोथ टू गो, फिर कह रहा है, आई एम लाइट लोथ टू गो, आई एम रिलेक्टेंट टू गो, आई डो नॉट वॉन्ट टू गो, इच्छा बिल्कुल नहीं है मेरी जाने की. देर इज सम इल ब्रोइंग टुवर्ड्स माई रेस्ट, मेरे इस शांतिपन में कुछ न कुछ उथल पुथल आने वाला है. एक आभास सा होता है, उसका सिक्स सेंस बता रहा है कि देयर समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन रॉन्ग विथ हिम. राइट, क्यों भाई, फॉर आई डिड ड्रीम ऑफ मनी बैग टू नाइट, क्योंकि आज रात मैंने सपने में देखा था मनी बैग. सपना देखने का हमारे यहाँ भी प्रचलन है. सपने का भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ हम लगाते हैं, जिसे कई मायने में सुपरस्टिशन कहा जाता है. बट यस, सुपरस्टिशन रन्स इन एवरी सोसाइटी एंड सिमिलर टू द यूरोपियन सोसाइटी एज वेल. जो डायलॉग से भी पता लगता है, वो क्या कहता है, मैंने सपने में मनी बैग देखा है. और सपने में मनी बैग देखना अच्छा सपना नहीं माना जाता. इसलिए वह कह रहा है कि मेरे मन में, मेरे रेस्ट में, मेरे शांति में कुछ हलचल होने वाली है, जिसका एक मैंने एक बुरा सपना देखा है. इसके ऊपर लॉन्सलॉट, आई बिसीच यू शर्खो, माई यंग मास्टर डोथ एक्सपेक्ट योर रिप्रोच. बिसीच मीन्स प्रार्थना करना, प्रे करना. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जाओ. राइट, यहाँ पर आप देखते हैं कि शेक्सपियर ने अप्रोच की जगह पर रिप्रोच लिखाया है. राइट, रिप्रोच लिखाना क्या है, मैलाप्रोपिज्म. मैलाप्रोपिज्म एक लिटरेचर में खास करके आपने सीरियल वगैरह फिल्म में भी देखा होगा, जो नौकर का रोल करते हैं उसकी हिंदी कुछ अटपटी सी होती है, जानबूझकर उसे ऐसा डायलॉग दिया जाता है. दैट्स व्हाई ही इज सर्वेंट इन दिस सीन, ही इज नॉट यूजिंग प्रॉपर इंग्लिश. सो जानबूझकर अप्रोच को रिप्रोच यहां पर करा दिया गया है शेक्सपियर के द्वारा. व्हाट इज दिस, इट इज मैलाप्रोपिज्म. राइट, ओके, आगे देखते हैं. सो डू आई हिज, मैं भी उसे यहाँ जाना चाहता हूँ. मीन्स राइट, लॉन्सलॉट देन एंड दे हैव कंस्पायर्ड टुगेदर. उन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया है, अचानक उसके मुंह से निकल गया. और जब निकला तो अपने उस मिस्टेक को बड़े ही अटपटे ढंग से उसे समेटता है. कभी कभी क्या होता है, आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा, जो चीज़ नहीं कहनी है और अगर मुंह से वो निकल जाए, देन आफ्टर वी यूज सम पिक्यूलियर टाइप्स ऑफ बिहेवियर, पिक्यूलियर टाइप्स ऑफ डायलॉग
टू पैच अप द मिस्टेक, ऐसा ही कुछ कर रहा है यहाँ पर। और क्या कहता है, आई विल नॉट शे यू शैल सी ए मास्क बट इफ यू डू आई वॉज नॉट फॉर नथिंग माई नोज फेल ए ब्लीडिंग ऑन ब्लैक मंडे लास्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग फॉलिंग आउट हियर अप एस वेडनसडे वॉज फॉर ईयर इन आफ्टरनून। यहाँ पर यह अटपटा सा ब्लैक मंडे की बात कर रहा है, एश वेडनसडे की बात कर रहा है, मीन्स ब्लैक मंडे ईस्टर के ठीक बाद आने वाला जो पहला मंडे होता है, इट इज़ ब्लैक मंडे। एस वेडनसडे भी क्रिश्चियन लोग मनाते हैं और अपने शरीर पर, अपने माथे पर खासकर मिट्टी को लगाते हैं, जो इस बात का द्योतक है या भैया बताने का प्रयास करते हैं, यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और अंत में मिट्टी में ही चला जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग, अटपटा सा बात वह यहाँ पर बोल रहा है ना। और सैलो कहता है, व्हाट आर दिस मास्कर्स हियर यू मी जेसिका, लॉक अप माई डोर्स एंड व्हेन यू हियर द ड्रम एंड द स्क्वेलिंग ऑफ री नेक्ट फेफे क्लैम्बर नॉट यू अप द कैसमेंट देन। सैलो को पता है कि लॉन्सलॉट अटपटा सा कुछ बोलता है, क्योंकि बहुत दिन रह चुका है सैलो के यहाँ। हुआ कहता है, व्हाट आर दिस मास्क, क्या है मास्क। और फिर उसके बात पर ध्यान ना देते हुए वो अपनी बेटी को कहता है, जेसिका लॉक अप माई डोर्स, मेरे घर के दरवाजे को बंद कर देना, एंड व्हेन यू हियर द ड्रम एंड वाइल स्क्वेलिंग ऑफ द रे नेक्ट फिफे। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, बांसुरी से मिलती जुलती है, जिसकी आवाज़ बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ा शार्प और श्रील साउंड होता है। कहता है, जब यह तुमको सुनाई दे ड्रम और बाजे की आवाज़, तब क्लाइंबर नॉट अपॉन द कैसमेंट देन, उस समय खिड़की पर मत चढ़ जाना, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं, जस्ट लाइक ए स्मॉल डोर, इसको यहाँ पर कैसमेंट लोग बोलते हैं। नॉट थ्रस्ट योर हेड इन टू द पब्लिक स्ट्रीट, बालकोनी से बाहर झांकना नहीं। Don't thrust into the public street to gaze the Christian fool with vanished face. क्या देखने के लिए, उस मूर्ख क्रिश्चियन को देखने के लिए, क्रिश्चियनों को देखने के लिए जो अपने मुंह पर न जाने क्या कुछ एंड पेंट लगा लेते हैं, वार्निश कर लेते हैं। But stop my house's ear. लेकिन क्या करना, मेरे घर के कान को बंद कर देना। What a fantastic English. यहाँ पर कान की तुलना किया गया है, कान से बताया गया है घर की खिड़कियों को, कहता है खिड़कियों को बंद कर देना। आई मीन बाई कैसमेंट, लेट नॉट द साउंड ऑफ सोलो फॉफी इंटर माई शावर हाउस, मेरे इस पवित्र घर में, एक शावर घर में, एक प्रतिष्ठित घर में उस मूर्ख क्रिश्चियन की आवाज़ नहीं आ पाए। By Jacob's staff, I swear, भगवान की कसम मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ भाई, I have no mind of feasting for tonight, मुझे आज जाने का बिल्कुल मन नहीं है, I don't like to go to tonight in the feast, in the party, but I will go, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा, go you before me, Shirah, she I will come, और Shirah servant का सैनोनीम आप कह सकते हैं, सर्वेंट का सैनोनीम है, वह कहता है जाओ और मेरे जाने से पहले पहुंचो वहाँ और बताओ मैं आ रहा हूँ। लॉन्सलॉट, आई विल गो बिफोर सर, मिस्ट्रेस लुक आउट एट विंडो फॉर दिस, देर विल कम ए क्रिश्चियन बाय विल बी वर्थ ए ज्यूस आर। और जाते जाते वह लॉन्सलॉट जेसिका को कहता है, आई विल गो बिफोर सर, बिल्कुल मैं आपके जाने से पहले पहुंच जाऊंगा, मिस्ट्रेस लुक आउट एट द विंडो, मिस्ट्रेस मीन्स जेसिका को वह कह रहा है खिड़की से बाहर देखना, फॉर ऑल दिस, किस चीज़ के लिए, देर विल कम ए क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन आएगा, बाय विल बी वर्थ ज्यूश आय, जो ज्यू की आंखों में बड़ा सुंदर होगा, मीन्स आपका सबसे पसंदीदा क्रिश्चियन वहां पर आएगा। कौन आएगा, कौन आएगा, लोरेंजो, करेक्ट। सो लोरेंजो की बात बड़े ही एक हिंट्स के तौर पर, एक क्लू के तौर पर वह जेसिका को बता रहा है कि जो ज्यू को अच्छा लगे, जनरली ज्यू नेवर लव टू क्रिश्चियन, बट
क्योंकि जेसिका एक ज्यू है और लॉरेंजो से उसे लव है, सो सी लव्स टू सी हर सी हिम आई मीन सो इसलिए उसने क्या कहा कि देयर विल बी कम ए क्रिश्चियन विल बी वर्थ ए ज्यूस आई, जो ज्यू की आंखों के लिए काफी अच्छा होगा. शैलॉक, व्हाट से द फूल ऑफ हैगर्स ऑफस्प्रिंग, राइट, हैगर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. यहाँ पर हैगर्स मतलब कहा जाता है एक प्रकार का अब्राहम का, यह भी बाइबल से ही रिलेटेड है, नौकर था. कहता है कि वह नौकर का बेटा क्या बोला, अगर मैं साधारण अर्थ में इसे बताऊँ तो, दिस वर्ल्ड वेयर फेयरवेल मिस्ट्रेस नथिंग एल्स. जैसिका ने कहा कुछ नहीं, उसने कहा फेयरवेल शैलॉक, द पैथ इज काइंड एनफ बट ह्यूज फीडर, राइट. यहाँ भी कह रहा है यह पैच मीन्स फूल, कहता है यह जो मूर्ख है ना बड़ा अच्छा है, पैच इज ए काइंड है ना बड़ा ही दयालु है, बट ह्यूज फीडर, ह्यूज फीडर मतलब काफ़ी पेटू है, बहुत अधिक खाता है, ह्यूज फीडर. स्नेल स्लो इन प्रॉफिट, बड़ा बड़ धीरे धीरे काम करता है, एंड स्लीपी बाय डे, दिन में भी सोता है. मोर देन ए वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट मीन्स जंगली कैट मतलब शेर बाघ, ये बाघ से भी आलसी है, ये दिन भर सोते रहता है, दिन में भी सोता है, राइट. ड्रॉन हाइव नॉट विथ मी, ड्रॉन मधुमक्खी में जो बड़ा मधुमक्खी होता है ना उसे ड्रॉन कहते हैं, वो कुछ काम नहीं करता है उसे, और हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, तो ड्रॉन हाइव नॉट विथ मी, इस तरह के आलसी को मेरे घर में कोई जगह नहीं है. देयरफॉर आई पार्ट विथ हिम, इसलिए मैंने उसे यहाँ से हटा दिया. पार्ट विथ हिम टू वन दैट आई would have him help to waste his borrowed purse, और कहाँ से भेज दिया, उसके पास भेज दिया जिसने कि मुझसे पैसा उधारी लिया है. देखो ना पैसा उधारी लेकर नौकर भी रखा है ताकि उधारी पैसा है इसका जल्दी से जल्दी खत्म हो. वेल जेसिका गो इन. सो इस स्टैंजा में शैलॉक ने अब तक केवल नेगेटिविटी ही बताया है लॉन्सलॉट का, कि वह काफ़ी खादुड़ है, दिन में सोता है, आलसी है, और मैंने जानबूझकर इसे बेसनियों के पास भेजा है ताकि यह बेसनियों का अधिक से अधिक उधार का पैसा खर्चा करा सके. परहैप्स आई विल रिटर्न इमीडिएटली, मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊँगा. डू एज आई बिड यू, वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा. शट डोर आफ्टर यू, फास्ट ब्लाइंड फास्ट फाइन, ए प्रोवर्ब, नेवर स्टेल इन द फिफ थ्रस्टी माइंड. बड़ा सुंदर सा एक प्रोवर्ब यहाँ पर शेक्सपियर कोट कर रहे हैं, कहता है फास्ट बाइन फास्ट फाइन, पैसे कोड़ी को एकदम पकड़ के जो जोर से पकड़ बाइन करना चाहिए. और यह जो चीज़ है, जो अच्छे दिमाग हैं जिनका कि स्कॉलर हैं, जो ज़्यादा होशियार हैं, उनके दिमाग से यह प्रोवर्ब कभी नहीं हटता. क्या नहीं, कौन सा प्रोवर्ब, फास्ट बाइन फास्ट फाइन, अगर जकड़ के अगर इत्मीनान से और अच्छे ढंग से पैसे को रखोगे तो समय पर वही काम देगा. प्रोवर्ब्स नेवर स्टेल, इसलिए मतलब होता है बासी हो जाना. इन द थ्रिफ्टी माइंड, थ्रिफ्टी माइंड मीन्स प्रूडेंट माइंड, जो अच्छे माइंड होते हैं उनके दिमाग से यह प्रोवर्ब्स नहीं जाता, मतलब जो अच्छे होते हैं वे पैसे को यूं फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाते, पैसे को बचा के रखते हैं, राइट. और ऐसा कह के वह चला जाता है. उसके बाद जेसिका का यह डायलॉग बड़ा ही महत्वपूर्ण डायलॉग है, रियली वेरी क्या कहते हैं टची डायलॉग है यह. और वह क्या कहती है, फेयरवेल, एंड इफ माय फॉर्च्यून बी नॉट क्रॉस्ड, आई हैव ए फादर एंड यू ए डॉटर लॉस्ट. क्या लाइन लिखता है शेक्सपियर, रियली कहता है अलविदा पिताजी, और यदि मेरा फॉर्च्यून क्रॉस ना करे, मतलब अगर मेरा प्लान फेल नहीं हो तो आज क्या होगा, एक बाप अपने बेटी को खो देगा, ए फादर लॉस्ट ए डॉटर एंड डॉटर लॉस्ट ए फादर, और एक बेटी अपने पिता को खो देगी, एक पिता अपने पुत्री को खोएगा और पुत्री अपने पिता को खोएगी, यही आज की रात की यह महत्वपूर्ण घटना होगी, ऐसा जेसिका ने कहा, राइट. और इस तरीके से एक्ट टू सीन फाइव भी अपना ख़त्म होता है. आई होप स्टूडेंट्स आपको यह सीन बहुत अच्छा लगा होगा, मैं इसको अच्छे ढंग से समझा पाया होऊंगा ऐसा मुझे विश्वास है. सो नाउ इट इज़ योर टर्न, अगेन आई से गो अहेड विदाउट लूजिंग ए मोमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन, एंड दोज हु हैज ऑलरेडी सब्सक्राइब
प्लीज शेयर मी कमेंट ऑन द गिवन कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट टाइम आई कुड अपीयर हियर विद सम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ माई एक्सप्लेनेशन. मैं अपने एक्सप्लेनेशन से अधिक आपको समझा पाऊँ, यह मेरा लक्ष्य रहा है. ठीक है, तो इस वादे के साथ कि मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो एक नए सीन के साथ. तब तक वीडियो को देखते रहें.